नमस्ते, मैं हूँ संजय दे और आप देख रहे हैं मेरा ये YouTube चैनल। दोस्तों, हम लोग हर तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि बुद्धिमत्ता परीक्षा लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। तो रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उसका एक छोटा सा एक एग्जांपल हम आपके सामने ला रहे हैं। द एज ऑफ फादर इज थ्राइस ऑफ हिज सॉन। ध्यान से देखिएगा, द एज ऑफ फादर इज थ्राइस ऑफ हिज सॉन। पुत्र का एज है पिता का एज पुत्र के एज से 3 गुन ज़्यादा है। पिता का एज पुत्र की एज से 3 गुन ज़्यादा है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 48 ईयर्स, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 48 ईयर्स, यानी कि पिता और पुत्र दोनों का एज मिलाकर अगर 48 ईयर होगा, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो पिता का एज क्या होगा, तो पिता का एज क्या होगा। ध्यान से देखिए, लेट द एज ऑफ सॉन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हम मान ले कि पुत्र का या सॉन का एज है एक्स, तो पिता का एज होगा 3 गुना ज़्यादा। देन फादर्स एज इज 3 × x, यानी 3x। देन फादर एज इज 3 × x, यानी कि 3x। नाउ 3x + x इज इक्वल टू 48 ईयर्स। नाउ नाउ 3x यानी कि पिता पिता और x यानी पुत्र दोनों को मिला के 48 ईयर्स है। फोर एक्स 3x + x यानी कि 4x इज इक्वल टू 48 ईयर्स। तो x इज इक्वल टू 48/4, यानी कि 12 ईयर्स। तो हमको पिता का एज निकालना है। ये हुआ x इज इक्वल टू, ये है पुत्र का एज यानी कि 12 ईयर्स। देन फादर एज इज 3 × 12 यानी कि 3 गुन ज़्यादा है, 3 × 12 इन 36 ईयर्स, जो ऑप्शन में है 36 ईयर्स, वो कि 3 नंबर में है। तो आंसर होगा इज इक्वल टू 36 ईयर्स। ऐसी बहुत सारी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके आप डिटेल्स पा सकते हैं। नमस्ते।